महाराज सा, आप दादा बन गए। कुंवर सा को पुत्री हुई है। मैं पिता बन गया, पुत्री का पिता। महाराज सा, मुझे तो लगा था कि कृष्ण का भजन सुनकर जन्म लेने वाले हो न हो कन्हैया लाल ही होंगे, वही आएंगे हमारे घर। पुत्र, कृष्ण कन्हैया का नाम सुनकर राधा रानी दौड़ी चली आती थी, जैसे यहाँ आई हैं हमारे घर तुम्हारी पुत्री बनकर। हम बहुत भाग्यशाली हैं पुत्र। राधा रानी के प्रभाव से तो कृष्ण कन्हैया भी प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाते। सच कह रहे हैं महाराज साहब, इतनी दिव्य, इतनी सुंदर हो तुम पुत्री। राधा रानी आई है तो कन्हैया भी अवश्य आएंगे हमारे घर। दादाजी सही कह रहे हैं ना बिटिया रानी, तभी तो तुम उनकी बात सुनकर मुस्कुरा रही हो। हरि की कथा अनंत है तो उनकी लीला भी। देवी माधवी का जन्म कृष्ण भक्त परिवार में हुआ। जिस प्रकार राधा रानी जी का प्रेम श्री कृष्ण कन्हैया के लिए अनंत था, उसी प्रकार बालपन से ही मीराबाई का प्रभु प्रेम अलौकिक था। किंतु ये समय था भक्ति काल का, जब भक्त अलौकिक प्रेम से ही अपने प्रभु को पाने का प्रयास करने वाले थे। ऐसे समय में जिसने अपने मन मंदिर में भक्ति भाव को लेकर जन्म लिया था, उसका नामकरण भी बड़ी धूमधाम से हुआ। चुप हो जाओ। क्या हुआ बिटिया रानी, कितने लोग आए हैं तुम्हारे नामकरण के लिए? ऐसे रोते रहेंगे तो लोग क्या सोचेंगे? क्या हुआ, कुछ तो है, इसे भूख तो नहीं लगी? नहीं, भूखी तो नहीं है, फिर भी पता नहीं क्यों इसका रोना रुक ही नहीं रहा। लगता है इसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, ना अपरिचित अतिथि और ना ही उनके उपहार। आओ बिटिया रानी, आ जाओ आ जाओ। क्या उपहार चाहिए हमारी बिटिया रानी को, बताओ बिटिया रानी। क्या अच्छा लगता है तुम्हें, क्या पाने का मन है? अरे लगता है महाराज साहब, इसे आपके पगड़ी का मोर पंख चाहिए। अच्छा, तो ये चाहिए बिटिया, लो ले लो। मैं जानता हूँ तुम्हारी पोती जन्म से ही श्री कृष्ण के प्रति अपार प्रेम लेकर आई है। श्री कृष्ण का भजन सुनकर जन्म लिया और पहला उपहार भी लिया तो क्या, हाँ, मोर पंख। श्री कृष्ण ही नहीं, माता लक्ष्मी भी घनी प्रसन्न है राजकुमारी सा से। हमारे देश की तो समृद्धि बढ़ गई इनके आने से। मरता राज्य के अब सभी गांव हमारे साथ हैं, एक भी गांव अलग थलग नहीं है। दूधा जी महाराज की अधीनता सभी ने मान ली है। हम तो सिर्फ इस धरती के राजा हैं, हमसे ऊपर तो वो है, हमारे गिरिधर गोपाल। अब मन में इतनी सी भी शंका नहीं इसकी भक्ति और इसके भाग्य पर। महाराज साहब, अब आप ही हमारी बिटिया का एक अच्छा सा नाम रख दीजिए। ये शुभ कार्य होगा राजगुरु श्री बिहारी दास जी के मुख से। मीरा, मीरा, अर्थात प्रेम और समृद्धि की सागर। मीरा बाई सा का स्वागत है महाराज साथ दूधा जी के अंगने में। भविष्य में ये बालिका केवल महाराज सा के कुल का ही नहीं, बल्कि सारे समाज का नाम ऊंचा करेगी। इतिहास याद रखेगा इसे, अमर बनेगी। जीवन आरंभ होगा संघर्ष से, क्योंकि कुंडली में तो यही लिखियो है, लेकिन इस बालिका का संघर्ष
ऐसा सुफल लाएगा कि सबको इस पर गर्व होगा, क्योंकि इसे तो भगवान का आशीर्वाद मिल लियो है। अलौकिक नाता है इसका स्वयं श्री हरि श्री कृष्ण से। होनहार बिरवान के होत चीकने पात, अर्थात जो बालक होनहार होता है उसके संकेत तो पालने से ही मिल जाते हैं। जिस अलौकिक कृष्ण प्रेम का संकेत मीराबाई ने अपने बचपन में दिया था, उसे गुरु बिहारी दास तो समझ गए थे, किंतु इस बात को सभी समझ सके ये थोड़ी संभव था। देखते ही देखते मीरा बड़ी भी होने लगी। कहाँ रह गई थी? जरूरी काम से गई थी। महल के बाहर श्री हरि के मंदिर जा रही हूँ, इसलिए उनके लिए कुछ लाने गई थी। तो फिर दिखाओ क्या लाई हो अपने श्री हरि के लिए। ये देखो माँ, ये फूल। ठीक है, अब चले। श्री हरि? हाँ है ना बिटिया, प्रभु श्री राम। पर माँ, जो महल के मंदिर में श्री हरि की मूर्ति है वो तो चक्रधारी है, पर इनके हाथों में तो धनुष है। राजकुमारी सा, श्री हरि के एक रूप थोड़ी ना है, उनके तो अनेकों रूप हैं, और इस रूप में है ये प्रभु श्री राम। माँ, ये मीरा के श्री हरि नहीं है। हरी तो इस रूप में इन सभी के है, पर मेरे कहाँ है? ये लीजिए प्रशांत। बचपन से ही मीरा जाने अनजाने अपने गिरधर गोपाल की खोज में निकल पड़ी थी। उसे जो भी उपहार मिलता था वो उसे औरों में बांट देती थी, क्योंकि उसे तो बस अपने गिरधर गोपाल चाहिए थे। भेंट में मिला हुआ दुपट्टा तुमने उसे क्यों दे दिया पुत्री? ये उसके लिए था माँ। पर तुम्हें कैसे पता चला कि वो थारे लिए नहीं है? बहुत आसान है माँ, मैंने उसे पकड़ा, देखा, कुछ लगा नहीं। कुछ भी नहीं? चोखा तो था वो दुपट्टा, पर ना अच्छा लगा ना बुरा, तो मैं समझ गई मेरा ना था। कभी कभी अपनी उम्र से अधिक बड़ी लगती हो जब ऐसी बातें करती हो। अच्छा सुनो बिटिया, आज तुम्हारे ताऊ सा ताई सा आने वाले हैं, उनके सामने अधिक बात नहीं करना, उनको ज्यादा बोलने वाले बिल्कुल नहीं बाते, ठीक है बिटिया रानी? तो मैं कहाँ बात सुनी हूँ, मैं तो बस वो पूछती हूँ जो मुझे समझ नहीं आता, बस वही जानने की कोशिश करती हूँ। अब जो भी कहना मर्यादा में रह के कहना, समझी? ठीक है बिटिया। प्रणाम भाई सा। प्रणाम भाभी सा। प्रणाम। मीरा, ताऊ सा ताई सा को प्रणाम करो। प्रणाम। समझी, मंदिर से आ रही हो तुम, पर पैदल क्यों? पालकी के कहार क्या सोने चले गए थे? नहीं भाभी सा, मीरा की इच्छा थी चलकर जाने की। हमारी बिटिया मीरा की इच्छा पूर्ति के लिए हम है ना उसके ताऊ सा राव वीरम देव। मीरा बिटिया, तुम्हारे लिए गुड्डा गुड्डी की जोड़ी। आओ। धन्यवाद ताऊ सा।
चोखा नहीं है क्या ये गुड्डा गुड़िया का जोड़ा? नहीं ताईसा, जोड़ा तो बहुत अच्छा है। जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम्हारे लिए भी तुम्हारे ताऊ ऐसा अच्छा जोड़ीदार चुन कर लाएंगे, तुम्हारा जोड़ा भी सुंदर बनवाएंगे। इससे पहले कि मीरा इन्हें ये उपहार लौटा दे, इसे यहाँ से भेज देना चाहिए। मीरा, ताऊसा ताईसा बहुत दूर से आए हैं, थक गए होंगे, इन्हें विश्राम करने दो। रुको मीरा, मेरा भी तो उपहार लेती जाना। प्रभु, मेरे प्राण आप में ही बसते हैं और जीवन पर्यंत ऐसा ही रहे, यही प्रार्थना है मेरी, यही कामना है मेरी। मैं सदैव आपकी सेवा में लीन रहूं और आप मेरे बने रहें। आइए भाई साहब, बैठिए। भोजन बहुत ही स्वादिष्ट था, धन्यवाद भाई साहब। आपके आदर सत्कार के लिए आपका ये अनुज कोई त्रुटि नहीं छोड़ सकता। ओहो, आप लोग यहाँ पे हैं? मैं आप ही को तो ढूंढ रही थी। क्या हुआ मीरा, हमारी बिटिया हमें क्यों ढूंढ रही थी? मीरा, ताऊसा ताईसा ने अभी भोजन किया है, उन्हें आराम करने दो, उसके पश्चात बात करना। अरे कोई बात नहीं, मीरा मेरी प्यारी बिटिया है, इसे किसी चीज से कोई मना ही नहीं। मैं तो आपको इसलिए ढूंढ रही थी ताकि मैं आपको ये सब लौटा सकूं। क्या हुआ मीरा, इन सुंदर और मूल्यवान उपहारों में से तुम्हें कुछ भी पसंद नहीं आया? ताईसा, ये बात नहीं है, ये बहुत ही अच्छे है, सब एक से बढ़कर एक है, पर इनमें से मेरा कोई भी नहीं है जो देखकर ही अपना लगे, उसे ही अपने पास रखना चाहिए ना। मीरा, ये सभी उपहार तुम्हारे लिए लिए गए, तो ये है तो तुम्हारे ही ना। ताऊसा, पर ये मेरे मन को अपने नहीं लगे, इसलिए आप इसे वापस ले जाइए। कलयुग में जब सभी को सांसारिक सुखों से, विभिन्न सुख साधनों से मोह होता है, धन ऐश्वर्य आदि से लगाव होता है, तब मीरा को तो बस एक ही लगन लगी थी, जिसका उसे अभी पूर्ण रूप से ज्ञान भी ना था। किंतु भगवान श्री कृष्ण तो अपनी लीला आरंभ भी कर चुके थे। भाई साहब, आप तो जानते ही हैं कि मीरा कितनी कोमल मन की बच्ची है, जो कह दिया सो कह दिया। सच तो ये है कि आज तक इसने बचपन से कोई उपहार लिया ही नहीं, बस पिताजी महाराज शाह से मोर पंख उपहार में लिया था, उसके सिवाय हमारी मीरा को कुछ भाता ही नहीं। हाँ, दादाजी सा का वो उपहार मैंने बहुत संभाल कर रखा है, मैं दिखाऊं आप दोनों को? नहीं, जीवन में अनेक मोर पंख देख चुके हैं हम, किंतु आज तक ऐसा कोई नहीं देखा जो तुम्हारे समान इतने मूल्यवान उपहार लौटा दे। भाभी साहब, वो बच्ची है, अभी उसे समझ ही कहाँ है, आप उसे क्षमा कर दीजिए।
क्षमा मांगने की कोई जरूरत नहीं। हम भी जानते हैं मीरा अभी बच्ची है, उसके मन को जो अच्छा लगेगा वही तो उसका उपहार बनेगा। मीरा, तुम्हें कभी भी कुछ भी अच्छा लगे अपने ताऊसा को बताना, मैं तुम्हें जरूर दिलवाऊंगा। मीरा, ताऊसा ताईसा को प्रणाम करो, तुम्हारे विश्राम करने का समय हो गया है। अगर ऐसा ही रहा तो तुम्हारी बिटिया एक दिन जोगन बन जाएगी देवरानी सा। संभालो उसे अभी से। समाज अपने अनुसार उस समय के सामाजिक नियमों के अनुरूप व्यक्ति से उसके दायित्व सीखने की अपेक्षा रखता है, किंतु किसी भी काल और नियम से परे एक भक्त के लिए तो बस उसकी भक्ति ही उसका एकमात्र कर्तव्य भी है। और मीरा का तो उसके प्रभु के साथ पूर्व जन्म का संबंध था। मेरा बिटिया, यहाँ थारे ताऊसा ताईसा जा रहे, उनसे आशीर्वाद तो ले लो। प्रणाम ताऊसा, प्रणाम ताईसा। खुश रहो, स्वस्थ रहो, समझदार बनो, सद्बुद्धि प्राप्त हो। प्रणाम मीरा भाईसा, आपकी बड़ी प्रशंसा सुनी है, आज आपके दर्शन हुए, कृतार्थ हो गया मैं। किंतु अरे दे दो, संकोच मत करो, बस इतना सोच लो कि ये उपहार मीरा तभी रखेगी जब वो उपहार उसे पसंद आएगा। आपको उपहार देने के योग्य मैं कहा, बस ये छोटा सा कुछ है, यदि आप रखेंगी तो मुझे अच्छा लगेगा। भक्ति माया को दूर कर व्यक्ति को जीवन के शुद्ध अर्थ से अवगत कराती है। धन्यवाद। ये तो बहुत सुंदर है और मुझे प्रिय भी। अपनी
अपनी बिटिया को राजघराने के संस्कार और रीति रिवाज सिखाओ। बहुमूल्य गहने छोड़कर चुना भी तो क्या, एक सेवक के हाथों से बनी बांस की साधारण सी बांसुरी। चलिए संसार के माया मोह में जो उलझे हैं, उन्हें तो बस सांसारिक बातें ही समझ आएंगी ना, परमात्मा से संबंध कहाँ समझ सकेंगे वो। जैसे मीरा ने जिस बांसुरी को अपना माना, वो और सभी के लिए बांस से बनी एक मामूली वस्तु थी, किंतु मुरलीधर से जिस भक्त का जन्म जन्मांतर का नाता था, उसके लिए तो वो उनकी ही मुरली थी ना। मुरलीधर गिरधर गोपाल से जुड़ने का एक साधन। बिटिया, ये सब क्या एकत्रित कर रखा है, इन सब से क्या लेना देना है तुम्हारा? माँ, ये मुझे अपने लगते हैं। इनके साथ रहती हूँ तो खुशी मिलती है। किंतु बिटिया, आपको राजघराने के कर्तव्य और नियम भी तो सीखने होंगे, तभी तो जीवन में अच्छी बिटिया, फिर पत्नी और माँ का कर्तव्य निभा पाओगी, सुखी रह पाओगे, सभी का प्रेम मिलेगा, जीवन के और भी उद्देश्य पूर्ण होंगे। माँ, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? जो सभी के जीवन का उद्देश्य नियत करते हैं, ये तो वही बता सकते हैं बिटिया रानी, हमारे भगवान श्री हरि। दादाजी सा कितने दिनों बाद आए हैं? पता है, ताऊ जी सा ताई जी सा आए थे, थोड़ी देर पहले आ जाते तो उनसे भी मिल लेते। और पता है, सुनेंगे सुनेंगे, शांति से सुनेंगे, जो कुछ कहना चाहती हो ना, एक एक कर सब सुनेंगे, पर पहले हाथ मुंह तो धो लेने दो। हा? बस एक सवाल। अच्छा पूछो। आपने ऐसा क्यों कहा कि वह श्री हरि ही हमें जीवन के उद्देश्य का मार्ग दिखा सकते हैं? क्योंकि वही तो हमारे जीवन का उद्देश्य निहित करते हैं। अच्छा, कब? हो सकता है हमारे जन्म से पहले, या फिर हमारे पूर्व जन्मों से। एक सवाल का जवाब हमने दे दिया, अब बाकी बाद में पूछना, ठीक? दादाजी साहब की बात से तो यही लगता है, श्री हरि ने मेरे जन्म का उद्देश्य भी मेरे पिछले जन्म से ही तय कर लिया था, और अब वो मुझे बताने वाले हैं। अपने प्रभु में सदा अटल विश्वास रखना चाहिए, जीवन के किसी भी चरण में वही पार लगाते हैं, क्योंकि भक्त जब भी उन्हें पुकारता है, भगवान सदा आकर उसका साथ देते हैं, उसका मार्गदर्शन करते हैं। आप चिंता मत कीजिए प्रभु, आज मैं आपको ज्यादा देर तक जगा कर नहीं रखूंगी, आप बस इतनी कृपा कीजिए मुझ पर, मुझे मेरे जीवन का उद्देश्य बता दीजिए। ये साधु महाराज जो भी हैं इन्हें बुलाओ, अत्यंत मधुर है इनका स्वर, और इनके भजन में भक्ति का ऐसा रस है कि सुनने वाले का मन भी निहाल हो जाए।
स्वागत है आपका साधु महाराज। अद्भुत है आपका स्वर और अद्भुत है आपकी भक्ति। आपका भजन सीधे हृदय तक पहुंचता है, जैसे प्रभु के निकट पहुंच गए हों। आप जब तक हमारे इस नगर में हैं, हमारा आतिथ्य स्वीकार करें और हमारे इस राजभवन में रहें। धन्यवाद महाराज, किंतु रमता जोगी और बहता पानी एक स्थान पर कैसे टिक सकता है? मैं रात्रि को आपके यहाँ विश्राम करूंगा और प्रातः अपनी यात्रा पर निकल जाऊंगा। जय श्री हरि। मैं और मेरे कन्हैया एक स्थान से दूसरे स्थान भ्रमण करते ही रहते हैं। अब आज्ञा हो तो भोजन प्रस्तुत करें साधु महाराज। भोजन तो संध्या वेला में होगा, वो भी प्रभु को भोग चढ़ाने के उपरांत। किसी भी वस्तु की आवश्यकता हो तो आदेश दीजिएगा। महाराज, एक सन्यासी को भला क्या चाहिए? ध्यान के लिए एकांत, फिर तनिक विश्राम। फूल के जैसा इसका चेहरा मुरझाया हुआ क्यों है? अब साधु महाराज को किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो, इसका ध्यान तुम दोनों को रखना है। जी पिताजी। क्या हुआ बेटिया, पीछे क्यों छुपी रह गई? दादाजी सा, ये कौन है? यहाँ सबसे अलग, इतनी लंबी दाढ़ी, इतने बड़े बड़े बाल, इनसे तो डर ही गई थी मैं। एक भक्त दूसरे भक्त से क्यों डरे भला? पर दादाजी क्यों, वो ऐसे क्यों रहते हैं? बेटिया, सन्यासी सांसारिक मोह माया को त्याग चुके होते हैं, उन्हें तो बस एक ही लगन होती है, अपने प्रभु की भक्ति की। वो बस उसी में रमे रहते हैं, इसलिए वो कैसे दिखाई देते हैं इसकी तो उन्हें परवाह ही नहीं होती। तब तो मैं बेकार में ही उनसे दूर थी, उनके भगवान के दर्शन भी ना कर सकी। साधु संतों से डर कर नहीं बिटिया, बल्कि उनके पास जाकर उनकी सेवा करने से प्रभु की कृपा प्राप्त होती है, परंतु इस समय नहीं, अभी तो वो और उनके प्रभु विश्राम कर रहे हैं। अच्छा, तो साधु महाराज बैठे बैठे ही विश्राम कर लेते हैं? उनका जुड़ाव अपने प्रभु से है ना, और जिनका जुड़ाव अपने प्रभु से होता है उन्हें इस दशा में भी आराम मिल जाता है, इसलिए अभी उनके विश्राम में विघ्न डालना उचित नहीं। मैं यही रहूंगी इनके प्रभु के दर्शन करने, जब भी मौका मिलेगा तभी। कौन हो पुत्री और इस कक्ष में क्या कर रही हो? साधु महाराज, ये मेरी पुत्री है, क्षमा कीजिए, बच्ची है इसलिए बिना अनुमति के आपके कक्ष में चली आई। क्षमा कीजिए साधु जी महाराज,
मैंने आपके विश्राम में बाधा डाल दी। क्षमा की कोई आवश्यकता नहीं है पुत्री, जो होता है प्रभु की इच्छा के अनुसार ही होता है। अवश्य इसमें कन्हैया की कोई इच्छा सम्मिलित होगी। कन्हैया? हाँ, वही जिनके दर्शन की लालसा में तुम यहाँ तक खींची चली आई। हाँ हाँ, यही है कन्हैया, श्री हरि के एक रूप। लोग इन्हें कान्हा भी कहते हैं, कृष्ण भी कहते हैं, कोई इन्हें मुरलीधर कहता है तो कोई माधव। तो अब मेरे गिरधर गोपाल बन जाइए ना। नहीं पुत्री, ये तो प्रभु की मूरत है, ये मेरे प्रभु हैं, इन्हें अपने स्थान पर रख दो। नहीं नहीं, ये तो मेरे गिरधर गोपाल है, ये मेरे साथ रहेंगे। मीरा, बिना अनुमति के इन्हें छूना उचित नहीं है, इन्हें इनके स्थान पर रख दो। पर ये तो मुझे अपने लग रहे हैं, फिर मैं इन्हें क्यों छू नहीं सकती? नहीं रखूंगी, ये मेरे गिरधर गोपाल है। मीरा, भगवान से तो हम सभी का नाता है, वो तो सभी को अपने लगते हैं। हम सभी में तो उन्हीं का अंश है पुत्री, इन्हें अपने स्थान पर रख दो, कहीं तुम्हारे नन्हे हाथों से फिसल कर मेरे प्रभु गिर न जाए। मैं इन्हें ध्यान से पकड़ कर रखूंगी तो कैसे गिरेंगे ये? मुझे इन्हें वापस रखने के लिए मत बोलिए ना माँ, इन्हें मुझे अपने कक्ष में ले जाने दीजिए, मैं अपने गिरधर गोपाल के साथ समय बिताना चाहती हूँ, उनसे बातें करना चाहती हूँ। आप ही ने कहा था ना कि मैं इन्हीं की इच्छा से यहाँ आई हूँ, तो अभी ये मेरे गिरधर गोपाल है या नहीं, मेरे साथ रहना चाहते हैं या नहीं, आप इन्हीं से पूछ लीजिए। क्षमा कीजिए साधु महाराज, मुझे आश्चर्य हो रहा है, जिसने आज तक कभी किसी का उपहार स्वीकार न किया हो, कभी किसी को अपना न माना हो, उसे भाई भी है तो प्रभु, मेरी आपसे विनती है, मीरा को कुछ समय के लिए ये प्रभु मूरत को अपने पास रखने की अनुमति देने की कृपा कीजिए। किंतु ये संध्या भोग का समय है। आप उसकी चिंता मत कीजिए, मैं अपने हाथों से अपने प्रभु को भोग खिलाऊंगी और गर्म भोजन नहीं खिलाऊंगी, जैसे माँ फूक फूक कर शीतल करके खिलाती है, वैसे ही मैं भी खिलाऊंगी। मेरे प्रभु मेरी श्वास हैं, जैसे मैं अपने श्वास से दूर नहीं रह सकता, वैसे ही मैं अपने प्रभु से भी दूर नहीं रह सकता। किंतु इस बालिका के प्रभु प्रेम को देखकर मैं इसे मना नहीं कर सकता, ये कुछ समय के लिए प्रभु को अपने पास रख सकती है। धन्यवाद साधु महाराज। प्रभु से दूर मेरे लिए एक पल भी एक वर्ष के समान है, जैसे ही पुत्री का मन भर जाए मेरे प्रभु को मुझे वापस दे दीजिएगा। जी, मैं वचन देती हूँ ऐसा ही होगा। भक्ति का प्रेम कुछ ऐसा ही होता है, एक भक्त के प्रभु प्रेम से दूसरा भक्त प्रभावित हुए बिना कैसे रह सकता है। इतनी कम आयु में जब सब बालकों की रुचि खेल आदि में होती है, मीरा का प्रभु प्रेम तो अद्भुत था। ये तो मीरा बाई के अद्भुत अलौकिक प्रभु प्रेम का आरंभ था जया मौसी, अब तो ये निरंतर बढ़ने ही वाला था। मीरा को उसके गिरधर गोपाल मिल ही गए, कब से ढूंढ रही थी आपको, पता है पिछले जन्म से, अब जाकर आप मेरे सामने आए हैं। मैं तो आपसे कब से मिलना चाहती थी, पर आपको कभी मन नहीं हुआ
मुझसे मिलने का? ओहो, मैं तो बातों में ही लग गई। साधु महाराज ने कहा था आपके भोग का समय है, आपको भूख लगी होगी ना? मैं अभी भोग लाई। भोजन के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, किंतु मैंने आपसे कहा था कि जब तक मैं अपने प्रभु को भोग नहीं चढ़ा देता, अनाज का एक दाना भी ग्रहण नहीं करता। यदि बालिका का मन भर गया हो तो मेरे प्रभु को ले आइए। आप चिंता न करें साधु महाराज, मीरा आपके प्रभु के लिए भोजन की थाली ले जा चुकी है। लड्डू, चूरमा, चावल, जो पकवान आज बने हैं सब आ गया है। अब आप अपना भोजन प्रारंभ कर सकते हैं। मैं आपको खिलाऊं अपने हाथों से? लगता है बस चखना था आपको, कुछ खाया ही नहीं आपने, सब बचा हुआ है। ये भी तो है, जब इतने सारे पकवान हो तो समझ ही नहीं आता क्या खाना और क्या छोड़ना। ये जो बचा हुआ है आप उसकी चिंता मत कीजिए, ये मैं खा जाऊंगी। माँ कहती है भगवान का भोग उनके चखने के बाद प्रसाद बन जाता है, तो ये तो प्रसाद हुआ ना, तो अब मैं इसे खा लेती हूँ। अब तो आपकी पुत्री का मन भर गया होगा, यदि ऐसा हो गया हो तो कृपा करके मेरे प्रभु की मूरत लौटा दीजिए। जी। कितनी सुंदर छवि है आपकी, जितना देखते हो उतना ही मन करता है और देखने के लिए। आपको कितने मनमोहक है। ओ लो, एक बात बताना ही भूल गई, मैंने आपके लिए कुछ इकट्ठा किया है, आपको दिखाऊं? देखिए आपके लिए बांसुरी। हाँ। और ये आपके लिए मोर पंख। ये देखिए आपके लिए वस्त्र, बहुत जचेंगे आप पे। आज पहली बार अपनी मीरा को इतना खुश देखा है, अब उसकी खुशी को दुख में कैसे बदल दूं? किंतु साधु महाराज को दिया वचन कैसे तोड़ दूं? कह दी सब बातें अपने गिरधर गोपाल से, या अभी भी कुछ कहना बाकी है? देखिए ना माँ, बहुत कुछ बताया है इन्हें, पर अभी ऐसा लग रहा है बहुत कुछ बताना शेष है अभी। किंतु बिटिया, अब प्रभु भी तो साधु महाराज के पास जाना चाहते होंगे। नहीं, नहीं, मैं मेरे गिरधर गोपाल को कहीं नहीं जाने दूंगी, वो मेरे हैं, मैं इन्हें अपने पास ही रखूंगी। आप कहीं नहीं जाएंगे। भाव और भगवान सभी को दिखाई नहीं देते, किंतु उनका आभास ही व्यक्ति के लिए पर्याप्त। संध्या से रात्रि हो गई है, अब तो अवश्य ही बालिका का मन भर गया होगा। नहीं साधु महाराज, मैंने उसे समझाने का बहुत प्रयत्न किया, किंतु वो प्रभु का साथ छोड़ने को तैयार ही नहीं है। किंतु मैं अपने मन को कैसे समझाऊं? मैं अपने प्रभु के बिना नहीं रह सकता। कृपा करके थोड़ी प्रतीक्षा और कर लीजिए, कुछ ही देर में वो सो जाएगी। फिर मैं प्रभु की मूर्ति आपके पास ले आऊंगी। गिरधर गोपाल,
अब बहुत रात हो चुकी है, बाकी की बातें कल पर छोड़ देते हैं। अब आप ही सो जाइए। क्या हुआ, सो जाइए ना। चमहाई तो आ रही है, लोरी सुनेगी तो जल्दी से नींद भी आ जाएगी। क्या हुआ मीरा, नींद नहीं आ रही क्या? मुझे तो बहुत नींद आ रही है माँ, पर देखिए ना, केजर गोपाल सो ही नहीं रहे, फिर मैं कैसे सोऊं? मीरा, हो सकता है वो भी तुम्हारी तरह लोरी सुनेंगे और उनको नींद आ जाएगी। लोरी नहीं, भजन। हे प्रभु, मेरे धीरज की परीक्षा मत लीजिए। और कितने समय मैं आपके बिना रहूंगा? अब वो दूसरा ही हट कर रही है, कह रही है जब प्रभु सोने के लिए अपनी आंखें बंद करेंगे तभी वो अपनी पलकें मूंदेगी। हे प्रभु गिरधर गोपाल, अब तो आंखें भी खुली रखना मुश्किल हो गई है। अब सो जाइए ना, आप अपनी आंखें बंद करेंगे तभी तो मैं सो पाऊंगी। गिरधर गोपाल, बंद कर लीजिए ना अपनी आंखें। मैं अपने प्रभु के बिना एक पल भी नहीं रह सकता। आपने वचन दिया था कि आप मेरे प्रभु को वापस लाएंगी, कृपया अपना वचन पूर्ण कीजिए। हे प्रभु, आपने मेरी बात मान ली, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु, मेरे प्रभु को वापस लौटाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अन्यथा आज की रात्रि असहनीय हो जाती। किंतु मेरी पुत्री, उसकी आंख खुलेगी और वो प्रभु को नहीं देखेगी तो वो कैसे रहेगी? प्रभु, आप मेरे पास वापस आ गए हैं, अब मैं निश्चिंत होकर सो पाऊंगा। कृष्णा कृष्णा, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्णा। कौन कौन है? प्रभु, मेरे प्रभु, मेरे प्रभु कहाँ गए? मेरे प्रभु को कौन ले गया? कौन ले गया मेरे प्रभु को? प्रभु, प्रभु कहाँ गए? स्वामी, हमने प्रभु की मूर्ति तो लौटा दी, किंतु मीरा को कैसे समझाएंगे? मेरे प्रभु कहाँ है? कौन ले गया मेरे प्रभु को? प्रभु, प्रभु कहाँ गए? आपकी पुत्री ने यह उचित नहीं किया, यह कैसा आतिथ्य है आपका? आपके यहां बार बार एक सन्यासी दुखी हो रहा है। मेरे प्रभु को फिर मुझसे दूर ले गई है आपकी बालिका,
क्या हुआ साधु महाराज, आप इतने चिंतित क्यों हैं? आपने निमंत्रण दिया, मैंने स्वीकार किया, गलती की। मेरे जीवन का आधार है मेरे प्रभु, उन्हीं को चुरा कर ले गई है आपकी पौत्री मीराबाई। असंभव, ऐसा कदापि हो ही नहीं सकता महाराज। मीरा तो किसी से कुछ लेती ही नहीं, जो उसे दिया जाता है वो भी लौटा देती है। महाराज, एक विचित्र परिस्थिति सामने आ गई है। मेरे किशन कन्हैया को अपना गिरधर गोपाल समझने लगी है आपकी पौत्री, और मेरे ही प्रभु को मुझसे दूर कर दिया। यदि आपको विश्वास नहीं है तो स्वयं चलकर देख लीजिए। आइए। जैसा साधु महाराज ने कहा था वैसा ही था। प्रभु की मूरत मीरा के कक्ष में थी। तो क्या मीरा ही उन्हें अपने साथ उठाकर लेके गई थी? हाँ गणेश जी, बताइए ना, क्या ये मीरा का ही कार्य था? नहीं, मीरा नहीं। फिर ये किसने किया था गजानन? इसके पीछे तो वो थे जो प्रभु की मूर्ति को मीरा के पास देखना चाहते थे। आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा था, अब स्वयं देख लीजिए। क्षमा कीजिए साधु महाराज, मैं अभी आपके प्रभु की मूर्ति आपको लौटा देती हूँ। तनिक भी संकोच मत कीजिए, बालक तो हठी होते ही हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि मेरे किशन कन्हैया आपके पुत्री के गिरधर गोपाल हैं। ये मेरे प्रभु की मूर्ति है, ये मेरी है, इस पर मेरा अधिकार है। श्रोत्रम श्रुतनैवन कुंडलैन दानेन पानिर्न तुक्कणकण विभाति काया करुणा पराणाम परोपकारैर्न तुचंदन। कानों की शोभा कुंडल से नहीं, ज्ञान सुनने से है। हाथों की सुंदरता कंगन से नहीं, दान देने से है। देह भी चंदन से नहीं, परोपकार और प्रेम से सुंदर बनती है। सत्य तो ये है, सुंदरता प्रेम में है। जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश सभी को समान रूप से मिलता है, उसी प्रकार मेरा प्रेम भी सभी भक्तों के लिए है, किसी एक भक्त के लिए नहीं। जो ये समझ जाते हैं उनका किसी से मतभेद नहीं होता। मेरी मीरा ऐसे कैसे कर सकती है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। मीरा तो छोटी बच्ची है, मुझे तो लगता है उसे मूर्ति से लगाव हो गया है। या हो सकता है कि भगवान को ही उससे लगाव हो गया हो।
प्रभु, मेरे कृष्ण कन्हैया। क्षमा कीजिएगा प्रभु, अब आपकी मूर्ति के निकट कोई नहीं आ सकता। वो बालिका तो बिल्कुल नहीं। आपका मान सम्मान भंग हो यह मैं कदापि सहन नहीं कर सकता। आप निश्चिंत हो जाइए। आंखें खुली रखूंगा। अब मैं एक पल के लिए भी नहीं सोऊंगा। देखता हूं वो बालिका आपको कैसे ले जाती है। मेरे कृतज्ञ गोपाल, अब मेरे पास ही रहना, कभी दूर मत जाना। मेरे कृतज्ञ गोपाल, अब मेरे पास ही रहना, कभी दूर मत जाना। कौन है, कौन है? पता नहीं कौन था। प्रभु, मेरे साथ बहुत अन्याय हो रहा है। मीरा फिर मेरे प्रभु की मूरत ले गई। असंभव है साधु महाराज, हम उसी के कक्ष से लौट रहे हैं, वो तो सो रही है। सांझ को आज ही क्या महाराज, चलिए मीरा के पास आइए। ये देखिए मेरे प्रभु की मूरत। आप ही बताइए ये इस कक्ष में कैसे आई। क्या हुआ साधु महाराज? अब तुम्हारी आंखें खुल गई हैं पुत्री, तो अपने माता पिता को बताओ कि मेरे कन्हैया की मूर्ति तुम्हारे कक्ष में कैसे आई। साधु महाराज, मेरे कृतज्ञ गोपाल तो यही है, जब से मैं आपसे लेकर आई हूँ, फिर हम दोनों सो गए। झूठ बोलना पाप होता है पुत्री, और एक सन्यासी से झूठ बोलना महापाप। मैं झूठ नहीं बोली साधु महाराज, मेरे कृतज्ञ गोपाल। अब हम और कुछ नहीं सुनेंगे, अब हम वही करेंगे जो उचित होगा। मैं और मेरे प्रभु की मूरत यहाँ एक क्षण भी नहीं रहेगी। हम अभी प्रस्थान करेंगे। साधु महाराज, मेरा विश्वास कीजिए, मैं झूठ नहीं बोल रही। जैसे ही मेरे कृतज्ञ गोपाल ने अपनी आंखें बंद कर ली, फिर मैं भी सो गई। फिर उसके बाद मैं उठी तो मेरे कृतज्ञ गोपाल मेरे सामने ही थे। मेरे कृतज्ञ गोपाल यही थे। मैं सच कह रही हूँ, मैं झूठ नहीं कह रही हूँ। द्वार तो भीतर से बंद था, तो वो बालिका
कक्ष में कैसे आए? नहीं नहीं, बालक अपने घर को अच्छी तरह से समझते हैं, कहां से भीतर जाना है, कहां से बाहर निकलना है, ये वो भली भांति जानते हैं। अवश्य ही इस कक्ष में कोई छोटा छिपा हुआ द्वार होगा। नहीं बिटिया, मेरी बेटी कभी झूठ नहीं बोल सकती। क्या साधु महाराज मेरे गिरजा को पाल कर दूर ले जाएंगे क्या? बिटिया, कोई किसी को उसके भगवान से दूर नहीं कर सकता। तुम्हारे गिरिधर गोपाल अगर तुम्हारे साथ ही रहना चाहते होंगे तो साधु महाराज उन्हें तुमसे दूर कैसे ले जा सकते हैं भला? प्रभु, अब मैं और आपकी मूर्ति दोनों यहां से प्रस्थान करेंगे। जय श्री कृष्ण। फिर उस बच्ची ने कुछ किया है प्रभु। पहले वो आपकी मूर्ति उठाकर ले जा रही थी, वो पकड़ा मैंने, और अब मैं आपकी मूर्ति को उठा नहीं पा रहा हूं प्रभु। क्योंकि उसका अधिकार है मुझ पर, वो मुझे जिसे दूर नहीं ले गई थी, मैं स्वयं गया था। किंतु क्यों प्रभु? प्रभु कारण तो स्पष्ट है। आज तक तुमने मेरी जितनी भी सेवा की, मुझे बस अपने प्रभु की मूर्ति मानकर की, अपना प्रभु नहीं माना। किंतु उस बालिका ने एक बार देखकर ही मुझे अपना गिरधर गोपाल मान लिया। ये तो मेरे गिरधर गोपाल हैं, ये मेरे साथ रहेंगे। ज्ञानी होकर ये कैसी अज्ञानता भरी भूल हुई है मुझसे। तुम्हें तो मेरी दूसरी मूर्ति भी मिल जाएगी, किंतु मीरा के लिए तो मैं ही उसका गिरधर गोपाल हूं। मैं उसे कहीं और नहीं मिलूंगा, मुझे उसके पास रहने दो। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मेरी भूल का इतना बड़ा दंड मुझे मत दीजिए प्रभु। ये दंड नहीं है, तुम तो भविष्य में होने वाले एक महान भक्त के सहायक बन रहे हो। इतिहास तुम्हें सदा इसके लिए स्मरण करेगा। तुम्हारा यहाँ आना, मीरा को उसके गिरधर गोपाल का मिलना, सब मेरी ही लीला का भाग था। इसलिए तुम मुझे उसके पास यहीं छोड़ के जाओ। मैं तो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे हृदय में सदा रहूंगा। मैं ये कैसे कर सकूंगा प्रभु? उनके बिना मैं कैसे रह पाऊंगी? दोनों ही भक्तों के लिए वो रात कठिन थी। एक ओर वो साधु महाराज थे जिन्होंने अपना पूरा जीवन प्रभु सेवा में बिताया था, और दूसरी ओर थी वो भक्त जो अपना सर्वस्व प्रभु की भक्ति में न्योछावर करने वाली थी। तो फिर क्या निर्णय लिया साधु महाराज ने? जो ईश्वर को अपना मानते हैं उन्हें ईश्वर भी अपनाते हैं।